ब्रह्मा मम्मी क्या हुआ? और से प्यार हो गए? मम्मी मम्मी को मेरी सीना बस अरे बकरी नहीं लगे नहीं ब्रह्मा नहीं थोड़ा सा भाई है ना वो मेरी क्रीम है तो क्या वो शेयर कर देना ट्वीट ब्रह्मा का फेस नहीं दिख रहा मजाक कर रही हूं मजाक कर रही हूं मजाक कर रही हूं चलो हमारा जो है ना लंच वगैरह हो चुका है और मेरे इस बेडरूम में ना दोपहर के बाद अच्छी खासी तेज़ धूप आती है तो हस्बैंड जो है ना खाना खा के धूप में थोड़ा सा यू नो रिलैक्स हो रहे हैं और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ गाजर और हरी मिर्च का अचार तेल वाला अचार बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी, आप देखिएगा ज़रूर। गाजर का सीज़न भी है और बहुत ही टेस्टी अचार बन के तैयार होता है। यहाँ पे 4:35 एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज है मंडे और आज मैं जो है ना बनाने वाली हूँ स्पेशल वाली हरी मिर्च और गाजर की अचार, जो कि एक बार आप बनाओ और साल भर खाओ, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ही बनती है। तो अभी जो है ना सबसे पहले हस्बैंड और मैं पियेंगे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय एंड देन उसके बाद हम बनाएंगे गाजर और हरी मिर्च का अचार। चाय पे चर्चा हुई खत्म और अब हम बनाएंगे गाजर और मिर्च का अचार। तो मैंने यहाँ पे 1 किलो गाजर अच्छे से धो के पोंछ के इस तरीके से काट के रखी है और 1 पाव हरी मिर्च ली है जिसे आधे टुकड़ों में कट किया है और अब हम बनाएंगे इसका मसाला। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून सौंफ ली है। ये 1 टेबलस्पून जो होता है ना नॉर्मल रेगुलर 1.5 चम्मच होता है जो घर का होता है ना, मतलब 3 चम्मच सौंफ और 3 चम्मच राई। और अब मैंने लिया यहाँ पे जीरा, तो जीरा जो है सेम 2 टेबलस्पून यानी कि नॉर्मल जो चम्मच होते हैं 3 चम्मच और 1 टेबलस्पून मेथी के दाने। तो इन सभी मसालों को स्लो फ्लेम पे, ज़्यादा नहीं, हम 2 मिनट भून लेंगे ताकि मसालों में जो नमी होती है ना वो सूख जाए और मसालों से बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है जब हम इसे थोड़ा सा भून के और बाद में अचार में डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा सा एक जो है ना फ्लेवर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैंने मसालों को भून लिया, थोड़ा सा हल्का ठंडा भी कर लिया और अब इसे जो है दरदरा हमें मिक्सर ग्राइंडर में पीसना है। बिल्कुल फाइन पेस्ट मत बनाइएगा, थोड़ा सा दरदरा, ताकि जब खाने में छोटे छोटे पीसेस आते हैं ना सौंफ के तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके से इसका दरदरा पाउडर मैंने तैयार कर लिया और अब एक कढ़ाई में मैंने लिया है 1 कप तेल जो कि 200 ml है ml वाइज। और अब इस सरसों का तेल है ये, तो सरसों के तेल को फुल फ्लेम में अच्छे से तेज़ आपको गर्म करना है। देखिए धुआं आ रहा है और अब मैंने गैस का फ्लेम कर दिया बंद और 2 मिनट आप रुकिए, एकदम बहुत धुआंधार तेल में आपको गाजर नहीं डालनी है। 2 मिनट के बाद जब थोड़ा सा तेल जो है ना हल्का गुनगुना रह जाएगा तब हम इसमें डालेंगे गाजर। तो इसमें मैंने डाली सबसे पहले 1/2 टीस्पून हींग, हींग का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है,
और अब मैं इसमें डालूंगी गाजर जो कि मैंने काट के रखी हुई है। ये 1 kg गाजर है, इसे अच्छे से आप धो के जो है ना पोंछ लीजिए कपड़े से, थोड़ा सुखा लीजिए जैसे इसमें नमी बिल्कुल ना हो। और अब इस गाजर को जो है ना आप कर लीजिए गर्मा गर्म तेल में मिक्स। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी हरी मिर्चें जो कि मैंने लेंथ वाइज कट करके रखी हुई है। तो अब इन मिर्च को भी हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। और अब हम इसमें डालेंगे बाकी के मसाले। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ हल्दी 1 tablespoon और 2 tablespoon लाल मिर्च का पाउडर। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है जिसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। आप चाहें तो तीखा वाला लाल मिर्च ऐड करिए, क्योंकि हरी मिर्च ऑलरेडी मैंने डाली है तो मैंने तीखी लाल मिर्च नहीं डाली है। और अब मैंने इसमें डाला 2 चम्मच नमक। और अब मैंने इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था ना अचार का मसाला, वो मसाला डाला। और अब इस मसालों को आप कर लीजिए अच्छे से मिक्स। एंड देन उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, इसे पहले आप मिक्स कर लीजिए अच्छे से। और अब चाहे तो इसमें नींबू डालें, चाहे तो आप इसमें आमचूर का पाउडर आता है ना वो 2 tablespoon आमचूर का पाउडर डालिए। बट मैं यहाँ पे जो है ना इसमें डाल रही हूँ विनेगर, वाइट विनेगर जिसे हम हिंदी में सिरका भी कहते हैं। तो सिरका डालने से होता क्या है ना कि सिरका जो है आपका वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, अचार जो है ना जल्दी आपकी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पे 2 tablespoon भर के मैंने सिरका डाला, और इस सिरके का बहुत ही अच्छा स्वाद तो आता ही है प्लस प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा। और 1 tablespoon मैंने इसमें डाला कलौंजी के बीज जिसे अनियन सीड्स भी कहा जाता है। और अब इसे जो है ना आप अच्छे से कर लीजिए मिक्स। बस तैयार है हमारी गाजर और हरे मिर्च की अचार। और इसकी अच्छी शेल्फ लाइफ के लिए ना आप इसे 2 दिन धूप दिखा दीजिए, 2-3 दिन, तो उससे क्या होगा ना कि आपकी अचार और ज़्यादा दिन तक टिकेगी और ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है ये अचार। गाजर और मिर्च का तेल वाला अचार बन गया। और मैंने जैसे कि आपने देखा कि अचार में ना व्हाइट विनेगर डाला, व्हाइट विनेगर तो एक तो अचार को थोड़ा सा खट्टा करेगा और दूसरा जो है ना प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। और अगर आप चाहें तो इसमें जो है ना नींबू का रस भी डाल सकते हैं, 2 नींबू आप निचोड़ के डाल दीजिए, और या फिर 2 tablespoon आमचूर का पाउडर डाल दीजिए, उससे भी जो है ना अचार थोड़ी अच्छी खट्टी बन जाती है। और इस अचार की जो है ना अगर अच्छी शेल्फ लाइफ चाहिए ना तो आप इसे 2-3 दिन जो है ना धूप दिखा दीजिए, ग्लास के कंटेनर में डाल के एंड ऊपर से कपड़ा बांध के धूप में रख दीजिए, तो उससे जो है ना ये अचार और ज़्यादा अच्छी चलेगी। और खाने लायक जो है ना ये 3 दिन के बाद ही बनती है, 3 दिन के बाद ही इसमें जो है ना एक्चुअल टेस्ट आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और आपके साथ मैं जो 2 छोटी सी मेरी शॉपिंग हॉल शेयर करूंगी, मैंने कुछ मंगाया है अमेजोन से और मीशो से, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। तो एक तो ये है जो मैंने मीशो से मंगाया और मैंने ना ऑलरेडी खोल भी लिया है, ये इस तरीके का होल्डर है जिसपे मैं ना मास्क वगैरह टांगने के हिसाब से मैंने मंगाया था। और एक ये मैंने जो है ना अमेजोन से मंगाया है एक पार्सल। ये भी एक्चुअली बच्चों ने खोल दिया है, ग्रीन लीव्स, ये आर्टिफिशियल। ब्रह्मा ने खोला बेटा आपने नहीं, ये आर्टिफिशियल जो है ना इस तरीके से लीव्स है जो कि मैं किचन में थोड़ा डेकोरेशन के हिसाब से मंगाया, मैंने आपको दिखाती हूँ अभी। और इसके प्रॉपर ड्रिलिंग के लिए मैंने जो है ना ये पैक पहले ही खोला था, सो दैट प्रॉपर इसकी जो है ना मेरे पास ड्रिलिंग मशीन तो है नहीं, मुझे इलेक्ट्रिशियन से ये ड्रिल करके होल इसके लगवाने थे। तो यहाँ पे मैंने इसका जैसे ही हम एंट्री करते हैं ना तो राइट साइड में मैंने ये होल्डर लगा दिया, सो दैट आते साथ ही अपने अपने मास्क हम यहाँ पे टांगे और जाने से पहले जो है ना कहीं बाहर जा रहे हैं तो यहाँ से मास्क लेके हम निकल सके। मास्क का जो है ना प्रॉपर एक प्लेस होना ज़रूरी है, आज की जो रूटीन होती है ना उसमें तो ये बहुत ही मेन रोल करता है, रखता है मास्क जो होता है। पहले क्या होता था ना, कभी टेबल की ड्रॉअर में, कभी यहाँ कभी वहाँ बच्चे रख देते थे, तो मुझे लगा कि एक प्रॉपर प्लेस के लिए ऐसा कुछ होल्डर ज़रूर होना चाहिए। और मैंने जो है ना ये मीशो से मंगाया है और इसका मीशो का जो प्रोडक्ट कोड होता है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप देखिएगा अगर इन केस आपको अच्छा लगता है और आपको भी मंगाना है तो
तो ये हुआ परमानेंट मास्क का प्लेस। और यहाँ पे जो है ना सेम ये वाला की होल्डर जो है ना, इस टाइप का मैंने पहले सोचा था, बट मुझे वो वाला पीस ज़्यादा अच्छा लगा और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मिला मुझे ये मीशो से। तो ये एक सेट जो है ना मैंने पहले ही मंगाया था, जो कि इस विंडो में जो है ना पूरा नहीं हो पाया था, तो मैंने एक सेट और मंगाया, बिकॉज मुझे ये पूरी की पूरी विंडो जो है ना कवर करनी थी इन लीव से। और मुझे तो भाई बहुत अच्छी लगी। आप बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये पर्टिकुलर एरिया जो कि मैंने ग्रीन लीव से डेकोरेट किया है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि किचन में भी हल्की फुल्की, ज़्यादा नहीं भले आर्टिफिशियली सही, बट ग्रीनरी होनी चाहिए। तरीके से मैंने ये जो मंगाया ना आर्टिफिशियल लीव्स यहाँ पे डेकोरेट की है इस तरीके से, मुझे ना बहुत पसंद है। किचन में भी थोड़ी कुछ ग्रीनरी हो, कुछ अच्छा सा, बट मैं एक्चुअली जब भी लगाती हूँ कुछ ग्रीन टिकता नहीं है किचन में। तो ये इस तरीके से मैंने इस विंडो को कवर किया है ग्रीन पत्तों से। ये था मेरा आज का व्लॉग और मेरा छोटू सा शॉपिंग व्लॉग, जिसमें मैंने दो चीज़ें मंगाई जो कि मुझे बहुत पसंद है। और आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।